सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है द ब्रिंगिंग फैक्ट पे। आज हम भारत के सबसे शिक्षित राज्य यानी कि केरल के बारे में बात करने जा रहे हैं। केरल मालाबार के तट पर दक्षिण पश्चिम भारत का एक राज्य है। केरल जनसंख्या के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे कुल 14 जिले हैं। केरल 38,863 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। केरल के सुंदर परिदृश्य और प्रकृति जो कि पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। केरल के उत्तर में कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में लक्षद्वीप समुद्र है। केरल में पूरे भारत में मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है। मानव विकास सूचकांक यानी कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय शामिल होते हैं। केरल 3000 ईसा पूर्व से भारत में मसाले का सबसे प्रमुख निर्यातक है और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की संस्कृति विविध है। केरल में आर्यो, द्रविड़ियन, अरब और यूरोपीय संस्कृतियों का एक संश्लेषण देखने को मिलता है। यहाँ पर हिंदू धर्म प्रमुख धर्म है, हालांकि यहाँ पर मुसलमानों और ईसाइयों के बड़े समुदाय हैं। केरल को स्पाइस घोस्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्राचीन काल के दौरान केरल दुनिया भर के यात्रियों और व्यापारियों को मसाले की मेजबानी करता था। व्यापारियों में रोमन, आरा, यूनानी, चीनी, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश शामिल थे, इसलिए केरल को यह नाम मिला। यहाँ पर हर साल 10 मिलियन से अधिक लोग घूमने के लिए आते हैं। साइलो मालाबार कैथोलिक चर्च पलायुर में केरल में स्थित है। यह चर्च भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। यह परंपरागत रूप से 52 ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा स्थापित किया गया था। सेंट थॉमस जीसस क्राइस्ट के 12 प्रेरितों में से एक थे। सेंट थॉमस ने भारत में अपना पहला ईसाई दीक्षा साइलो मालाबार कैथोलिक चर्च में दिया था और इसलिए इस चर्च को अपोस्टोलिक चर्च कहा जाता है। इसे सेंट थॉमस से प्रेरित होकर उनके नाम पर अपोस्टोलिक चर्च का नाम दिया गया है। नेशनल ज्योग्राफी ने केरल को दुनिया के 10 स्वर्गों में शुमार किया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिर होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। इसे 2011 में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर घोषित किया गया था जब इसने $19 बिलियन का खुलासा किया था। यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ओणम केरल में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह 10 दिनों तक जारी रहता है। पहले दिन को अथम और आखिरी दिन को फिर ओणम के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार यहाँ पे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। केरल की आधिकारिक भाषा मलयालम है और केरल के लोगों को सिमाली के नाम से जाना जाता है। केरलम शब्द की उत्पत्ति केरा और आलम से हुई है। केरा का अर्थ नारियल होता है और आलम का अर्थ भूमि होता है, इसलिए केरल को नारियलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना सक्रिय सिनागोंग परदेशी सिनागोंग केरल के कोच्चि में स्थित है। इसे 1567 ईस्वी में बनाया गया था। करालीपयट्टू केरल का सबसे पारंपरिक और सबसे पुराना मार्शल आर्ट नृत्य है। इसे सभी मार्शल आर्ट की जननी माना जाता है। कथकली नाटक नृत्य और केरल के धार्मिक विषयों का एक आकर्षक संयोजन है। यह कहानी नाटक शैली की उत्पत्ति केरल से हुई है। थेलम मालाबार क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह देवी काली की पूजा करने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान नृत्य है। केरल भारत में काली मिर्च और प्राकृतिक रबर का एक प्रमुख उत्पादक है। यह कुल राष्ट्रीय उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चिरामन जुम्मा मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है जो केरल के मटाला में स्थित है। यह मस्जिद मलिक बिन दिनार द्वारा 629 ईस्वी में भारत की पहली निर्मित मस्जिद है। मलिक बिन दिनार पैगंबर मोहम्मद के साथी थे। केरल भारत में नारियल, चाय, कॉफी, काजू और मसालों का मुख्य उत्पादक है। रिपोर्ट के अनुसार केरल भारत में सबसे कम भ्रष्ट राज्य है। यहाँ का राज्य पशु हाथी है। भारत में सबसे ज्यादा मीडिया एक्सपोजर वाला राज्य केरल है। केरल में साक्षरता दर 96% है। यह देश में सबसे ज्यादा है। आपको केरल के बारे में यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।